नमस्कार। तो मेरी और आपकी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के दो। दोपहर के दो वो वक्त जब हम जानते हैं और परखते हैं और जांचते भी हैं कि आखिर विधानसभाओं में क्या कुछ चल रहा है। चुनाव नजदीक है, या मैं यूं कहूं कि चुनाव सर पर है। तो ऐसे में विधानसभा में पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम किया गया, इसको जानेंगे। 2017 पिछली दफा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक लहर उठी, या मैं यूं कहूं कि एक आंधी उठी, और इस आंधी में बीजेपी को बंपर वोट मिले। लेकिन क्या वो आंधी, वो लहर जनता के लिए कुछ कर सकी या सिर्फ कहर बनकर टूटी, इसको जानेंगे परखेंगे। ऐसे में हमारे साथ आज हम बात करेंगे गाजियाबाद विधानसभा की, गाजियाबाद सदर सीट की। गाजियाबाद सदर सीट में अतुल गर्ग साहब ने क्या कुछ काम किए और क्या कुछ काम वो नहीं कर सके, इसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिर अतुल गर्ग साहब ने जो दावे और वादे किए थे, क्या उनको वो पूरा कर सके, इसको जानेंगे और परखेंगे अगले आधे घंटे में। आधे घंटे में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, दो मेहमान जो दो नुमाइंदे होंगे, एक होंगे सत्ता पक्ष के तो एक होंगे मुख्य विपक्ष के। दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे और हम उससे परखेंगे कि आखिर कौन कितना सही है और कौन कितना गलत। लेकिन इस कार्यक्रम की संरचना कुछ इस प्रकार है कि इसमें आम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मतलब वो वोटर जो वोट देता है और जो कहता है कि मैं अपनी बात कहां रखूं, तो उनके लिए ये मंच हमने बनाया है जहां पर चुनाव से जुड़े सभी लोग मौजूद होंगे। मतलब जनता मौजूद है जो एक दर्शक, एक कॉलर के रूप में हमारे सामने आएगी, और इसके साथ ही साथ नेता मौजूद होंगे विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी, और साथ ही साथ पत्रकार के रूप में मैं भी मौजूद रहूंगा और चीजों को मॉडरेट करूंगा। लेकिन उससे पहले गाजियाबाद के बारे में आपको बताते हैं। गाजियाबाद एक ऐसी जगह है जो दिल्ली एनसीआर से लगी हुई है और एनसीआर के भी करीब करीब आती है। गाजियाबाद से रोजाना हजारों लोग दिल्ली काम में जाते हैं काम के लिए, और दिल्ली से भी हजारों लाखों की संख्या में लोग गाजियाबाद आते हैं काम के लिए। गाजियाबाद नोएडा से भी लगा है। नोएडा जो कि कंपनियों की बात करूं तो कंपनियों का एक जंगल है जहां पर तमाम कंपनियां हैं, तो गाजियाबाद से लोग नोएडा भी जाते हैं। नोएडा कितना विकसित हुआ है बीते 5 सालों में, इसको जानेंगे और परखेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन के जरिए। तो आज जब हम गाजियाबाद की सदर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं वो आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें ये हैं, तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। तस्वीर देखने का माध्यम जरूर है लेकिन हम इनको आवाज भी दे सकते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको कूड़ा दिखेगा, कचरा दिखेगा, करकट दिखेगा, और साथ ही साथ दिखेगा गौवंश, साथ ही साथ दिखेगा गौधन, साथ ही साथ दिखेंगी गाय माता। वो गाय माता जो चुनावों में खुद एक मुद्दा है, वो गौवंश जो चुनावों में खुद एक बड़ा मुद्दा साबित होता है, वो गौ माता कूड़ा कचरा के पास आपको नजर आ रही है। ये देखिए, ये है सड़क और नालों की व्यवस्था, जो व्यवस्था बताती है कि आखिर गाजियाबाद के अंदर चल क्या रहा है। गाजियाबाद की बाहर बाहर की तस्वीरें तो हर किसी ने देखी होंगी। जब आप हाईवे से गुजरते हैं तो लंबे लंबे आलीशान बिल्डिंगें आपको दिखती हैं, अपार्टमेंट्स आपको दिखते हैं, लेकिन गाजियाबाद के अंदर भी एक गाजियाबाद है, और वो गाजियाबाद किस तरह का दिखता है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है गाजियाबाद की तस्वीरें, हालांकि निर्माणाधीन है लेकिन किस तरह से दिखती हैं, किस तरह से कंजेस्टेड है, ये सब देखिए और समझिएगा। तो कूड़ा है, कचरा है, गौवंश है और निर्माणाधीन चीजें हैं, सड़कें कितनी सक्रिय हैं, ये सब कुछ गाजियाबाद के भीतर गाजियाबाद में नजर आता है। तो गाजियाबाद जो कि विकसित नजर आता है, अगर ऊपर ही सतह से देखें तो बहुत ज्यादा अविकसित नजर आता है जब आप इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, इसको टटोलने की कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे कि अतुल गर्ग साहब जो कि विधायक हैं गाजियाबाद से, उन्होंने गाजियाबाद को क्या कुछ दिया है, क्या कुछ गाजियाबाद के लिए उन्होंने रखा है। तो गाजियाबाद का क्या है चुनावी हाल, इसको जानने और समझने के लिए आज का कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश। तो मेरा गांव मेरा देश जो कि यूपी एडिशन का खास कार्यक्रम है आज, इसमें चर्चा करेंगे गाजियाबाद को लेकर, और गाजियाबाद से हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, एक होंगे सत्ता पक्ष के तो दूसरे होंगे विपक्ष के। साथ ही साथ दर्शकों के लिए फोन लाइन खोल दी गई है, नीचे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आपका दर्शकों से तारुफ कराऊंगा जैसे जैसे वो जुड़ते जाएंगे। लेकिन उससे पहले नेता पहले आ चुके हैं तो नेताओं से आपका तारुफ करा देता हूं। संजय त्यागी साहब है भारतीय जनता पार्टी से और आशु अब्बासी साहब है समाजवादी पार्टी से, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा देश। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है संजय त्यागी साहब। संजय साहब 2017 में यूपी में मानो भाजपा ही भाजपा थी,
किसी भी जिले में जाते हैं, वहां की जितनी विधानसभाएं हैं टटोलने की कोशिश करते हैं, तो हर जगह मेजोरिटी में आप हैं, कई जगह तो क्लीन स्वीप है आपका। तो ऐसे में मुझको बस इतना समझाइएगा कि जनता ने जो विश्वास किया, जनता ने जो भरोसा जताया, जनता ने जो बंपर वोटिंग करी, गाजियाबाद क्या कुछ कहता है? आज 5 सालों में गाजियाबाद जिस तरीके से था 2017 में और 2022 के चुनावों में जब हम खड़े हैं, तो गाजियाबाद क्या कह रहा है विकास के नाम पर? देखिए ऐसा है, 2017 में ही नहीं, आपकी बात मैं पूरी कर देता हूं, 2022 में भी हर जगह, हर गली, हर कस्बे में भाजपा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रदेश की जनता को सुशासन दिया है, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, उसके दम पर और जो विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बही है, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। और माननीय योगी जी दोबारा 35 वर्षों का रिकॉर्ड टूट रहा है, दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री रिपीट होने जा रहे हैं 325 प्लस सीटों के साथ। ठीक है, मतलब दोबारा रिपीट होने जा रहे हैं, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? बिल्कुल, जो सुशासन। ठीक, आशु अब्बासी साहब भी हमारे साथ। आशु अब्बासी साहब, योगी आदित्यनाथ की भारी रैली होती है, भारी भरकम भीड़ दिखती है गाजियाबाद में, क्या लगता है जो कुछ रहा सहा रह गया था वो भी कसर पूरी कर दी योगी जी ने, अब तो माहौल पलट जाएगा, बीजेपी बीजेपी हो गया है, लोग ऐसा कह रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की आंधी है, पूर्वांचल में देखिए कितना बुरा हाल है, कोई भी पैसे की भीड़ नहीं है, यहाँ तो जनसंख्या, इनकी संख्या 10,000-20,000 होगी, ज्यादा से ज्यादा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काफिला था। लेकिन हमारे पूर्वांचल की भीड़ गाजियाबाद में वोट नहीं डालेगी, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद विधानसभा की। तो अभी हमारा रथ आएगा, हमारे एक रथ है, इनके 8 रथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक ही रथ भारी पड़ रहा है। अभी हमारा 6 तारीख में शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लगेगा गाजियाबाद में, आप देख लेना किस तरीके से आंधी आएगी और सब लहर में सब बह जाएगा ये सब चीज। ठीक है, आपको नहीं लगता कि एक रथ आएगा आपका, लेकिन बीजेपी के पास बड़े नेता ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री का अगर रथ आ गया, जेपी नड्डा साहब का अगर रथ आ गया, स्वतंत्र देव सिंह जी का अगर रथ आ गया, तो कितने रथों से आप लड़ेंगे? सिर्फ हमारा एक रथ है, इनके 8 रथ है, एक ही रथ भारी पड़ रहा है, आपको पूर्वांचल से और बहुत सारी जगह से मैसेज मिल रहा होगा आपको। नहीं, पूर्वांचल अलग है, गाजियाबाद अलग है, यहाँ की जो संरचनाएं हैं वो सब कुछ अलग अलग है, तो ऐसे में बताइए। यहाँ हमारी 5 सी विधानसभा, गाजियाबाद विधानसभा की 500 सीट है, 500 सीट हम लोग जीत रहे हैं, और अभी हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं लगा है गाजियाबाद में, अभी तो योगी जी मोदी योगी जी का ही लगा है, अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं लगा, शायद 6 तारीख में हमारा लग सकता है प्रोग्राम, अगर लग गया आप स्वयं देख लेंगे क्या हाल हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, संजय त्यागी साहब काफी हंस रहे हैं, संजय त्यागी साहब, आशु जी ने कोई मजाक किया है क्या? जी, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, और एक पुराना शेर मुझे याद आता है कि मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि गाजियाबाद की 5 विधानसभा जो लोकसभा में है, 5 विधानसभा, एक भी सीट समाजवादी पार्टी जमानत भी अपनी नहीं बचा पाएगी, जीतने की तो बात अलग है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो में जो जनसैलाब उमड़ा गाजियाबाद की धरती पर, वो आपने भी देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। अब ये अपना ठीक है, अपना मन बहला लें, ये आखिर किस दम पर ये दावा कर रहे हैं? तो आप योगी जी के रोड शो के सहारे जीतने जा रहे हैं या फिर विधायक जी ने काम किया है उसके सहारे जीतने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक पहले बात होती है परिवार में मुखिया की, हमारे मुखिया जो है उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सुशासन, मैंने पहले पूर्व में भी कहा, जो सुशासन प्रदेश की जनता को मिला है, भय मुक्त वातावरण मिला है, भ्रष्टाचार रहित वातावरण मिला है, प्रदेश की और देश की जनता ने वो सब देखा है। हम उनके दम पर भी जा रहे हैं और अपने, हमारे जो गाजियाबाद के महानगर, यशस्वी महानगर संगठन शिल्पी भाई संजीव शर्मा जी की जो नेतृत्व क्षमता है, उसी के दम पर मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं में एक पर भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी, जीतने की तो बात छोड़िए। रही बात माननीय अतुल गर्ग जी की, गाजियाबाद विधानसभा जी की, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो,
इतने लोकप्रिय और व्यवहार कुशल है कि जनता से सीधा उनका जो है नाता है और बहुत ही अपने विधानसभा में बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही यशस्वी विधायक है। हैं वो। आपको नहीं लगता कि इस बार चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि अतुल गर्ग साहब जैसा कि आपने बताया स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं। ओमिक्रॉन जी दिल्ली में दस्तक दे चुका है, रोजाना केसेस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन का जो तीसरी लहर बताई जा रही है संभावित रूप से, तो ऐसे में अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है तो उसको निपटने के लिए, उससे निपटने के लिए अतुल गर्ग साहब ने अभी कुछ प्लानिंग सोची है? जी 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 जी, पिछले दिनों भी आपने देखा था। देखिए, ये ओमिक्रॉन या कोरोना ये एक वैश्विक महामारी है। ये जो विपक्षी लोग शोर मचाते हैं इसमें, देखिए सभी जानते हैं एक वैश्विक महामारी है। रही बात उससे निमटने के, पूर्ण प्रशासन ने संपूर्ण इंतजाम माननीय अतुल गर्ग जी की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और संपूर्ण तैयारियां बिल्कुल एकदम रेडी हैं। और माननीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने अभी तैयारियां जो कल भी उन्होंने मन की बात, लेकिन तस्वीरें भी चल रही हैं, तस्वीरों को भी आप देखिए। तस्वीर अगर आप देख पा रहे हो, कूड़ा कचरा और वहां पर गाय, और आप कहते हैं कि आपने गौशालाएं बनवाई हैं, गौवंश के लिए व्यवस्थाएं की हैं। आवाज नहीं आ पा रही आपकी। मैं आपसे कह रहा हूं, दरअसल हो जाता जब सवाल आता है तो आवाज भी थोड़ी सी कम आती है, लेकिन ये समझिए कि तस्वीरें आप आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, ठीक है, तस्वीरें देखिए। गौशाला की आप बात करते हैं लेकिन गौवंश आज भी कूड़ा कचरा इनके ढेर के आसपास नजर आ रहे हैं। तो आप अगर प्रदेश स्तर पर इसको मुद्दा बनाते हैं, गाय माता को मुद्दा बनाते हैं, गौवंश को मुद्दा बनाते हैं, गौधन को मुद्दा बनाते हैं, तो ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी अभी आपको, ये क्या है? देखिए ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सनातन परंपरा में ये जो गोवंश आप देख रहे हैं, कम से कम उससे तो अच्छा है, उससे तो अच्छा कि गौ माता आज जीवित है। ये समाजवादी पार्टी वाले लोग, मतलब गौ माता जीवित हैं, गौ माता नाले के आसपास देखते नहीं थे किस कूड़े कचरे के आसपास दिखें, कूड़े के ढेर के आसपास दिखें, बस गौ माता जीवित हैं ये बेहतर है, इसको कह के ताली बजाइए। देख नहीं, देखिए हर तहसील में, हर तहसील में माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गौशाला बनाई हुई है। ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि दिन में शाम, सुबह शाम दूध निकाल करके गोवंश को सड़कों पर जो छोड़ देते हैं, ये नैतिक रूप से उन लोगों की भी जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, मैं अब आना चाहूंगा आशु अब्बासी जी के पास। आशु अब्बासी जी, सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ख्याली पुलाव ठीक नहीं है, पांचों विधानसभा में आपकी जमानत जब्त होने जा रही है, ऐसा कहना है संजय जी का। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, आप देख लो हमारे गाजियाबाद के कितनी बड़ी बदनसीबी, मेयर इनका है, विधायक इनका है, पार्षद इनके हैं, लोनी के विधायक इनके हैं, और वहां पर जो गौ माता है बिना चारे के मर रही थी, अभी एक वीडियो वायरल हो रही, शायद मेरे त्यागी जी ने देखी ना होगी, उसमें कितना बुरा हाल, कितनी गाय ऐसे मरी पड़ी थी। तो दाना पानी कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव के टाइम पर इन्हें गैया माता याद आती हैं, हिंदू मुसलमान समाजवादी, बाकी कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ लिखित रूप में रहेगा पेपरों में। यह कहने से 15 लाख रुपए दे दिए इन्होंने, पेट्रोल कहाँ पहुंचा दिया, गाजियाबाद का कितना बड़ा बदनसीबी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे इतने बड़े बड़े विधायक सांसद होने के बाद, आप खुद देख लो, स्वयं देख लो, विजुअल्स में देख लो, ये गैया माता भूखी प्यासी मर रही, पिन्नी खाकर मर रही है, लेकिन ये कह रहे हैं ठीक है, तस्वीरें देखिए, भयमुक्त समाज की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके समय में भय रहता था लोगों के अंदर बाहर निकलने में, ये भयमुक्त समाज देने का काम किया है इन्होंने। एम्बुलेंस 100 1210 हमारी देन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, विदेशों से मंगाई है इन्होंने, हमारी नीति उसका नाम बदलने का काम किया, शिलान्यास बदलने का काम किया, पत्थर लगाने का, इन्होंने छोड़े ही क्यों, आपने सभी काम अधूरे छोड़े ही क्यों? सुनो, समय पूरा हो चुका था, हमारी सरकार चली गई थी, उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम रह गया इन्होंने उस पर पत्थर लगाकर अपना उसका सिरे लेने का काम किया है। अपना कोई काम क्या हो, गाजियाबाद में देख लो आप, मेयर इनका है, विधायक इनके हैं, सांसद इनके, ऐसा कौन सी गली मोहल्ला या कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वार्ड है जिसमें कितनी मेरे बदनसीबी, मेरे गाजियाबाद जिले की, जो कोई काम क्या हो इन्होंने। चलिए ठीक है, आपके अपने अपने आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, आप दोनों सियासी दलों से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं, दर्शक जुड़े हैं, रैंडम दर्शक हैं, कॉलर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, हाँ जी हेलो, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा इनकी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा, ठीक है। नाम बताइएगा अपना। हाँ, मैं जीसी पाल बोल रहा हूँ भाई साहब। जी दोबारा बताइएगा। जीसी पाल बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद से। ठीक है ठीक है, तो आपका सवाल किससे है, क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल मेरा सफाई को लेकर है, बड़ी परेशानियां हैं, बद कैसी कैसी हमारे क्षेत्र में कूड़े के ढेर हैं, नालियों में गंदगी है, नाली के बाहर रोड पर गंदगी है, बड़ी सारी समस्याएं हैं। बाकी आए दिन दिखा देते हैं कि हमें तो टॉप बनाना है, गाजियाबाद को नंबर वन लेके जाना है, ऐसी दुर्दशा तो बहुत बुरी बुरी दुर्दशा हो रही है। लेकिन भाजपा की तरफ से नेताजी तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा वही है गाजियाबाद। ऐसी गंगा कहाँ बह रही है, मेरा छोटा भाई नंदग्राम में रहता, पैर रखने को जगह नहीं है, इतनी बड़ी दुर्भाग्य है उस छोटे भाई का। उस बेवकूफ को मैं बार बार कहता हूँ उसको फेंक दे नरक में से निकल जा, आए दिन वहाँ गंदगी बनी रहती है। मैं इधर पटेल नगर में रहता हूँ, आए दिन कूड़े के ढेर यहाँ भी मैं देखने को मिलते हैं। ये तो सिर्फ पेपरों में सारा काम चल रहा है आप लोगों का, बीजेपी वालों का। ठीक है, तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग साहब, और ऐसे में अगर स्वास्थ्य की बात तो तब होगी जब ये गंदगी और कचरा कूड़ा इसको सफाई कराने की बात होगी। क्या कहेंगे इस पर संजय जी? संजय जी एक सामान्य दर्शक नहीं आ पा रही। संजय जी मैं बताता हूं आपको, एक सामान्य दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि इतनी गंदगी है गाजियाबाद में, बताया जा रहा है कि हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नंदग्राम किसी जगह का जिक्र किया उन्होंने, वो बता रहे हैं कि नंदग्राम में गंदगी हर जगह, आप 20 कदम आगे बढ़ेंगे आपको गंदगी का ढेर दिखेगा, कूड़े का ढेर दिखेगा। देखिए ऐसा है भाई साहब, मैं भी स्वयं नंदग्राम में रहता हूं, मेरा निवास स्थान भी नंदग्राम में है, मैंने तो कहीं गंदगी का ढेर देखा नहीं। ठीक है, आपने नहीं देखा? मैं कैसे मन जी, मेरा स्वयं का निवास स्थान नंदग्राम में है भाई साहब। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कहिए। आश्रम बापू आश्रम, संत आसेराम बापू आश्रम, राजनगर एक्सटेंशन रोड से जब आप नीचे उतरेंगे नंदग्राम में, आप एंट्री करेंगे, आप देखो सांस लेना दूभर रहता है। मैं जाता हूँ दूसरे तीसरे दिन, छोटे छोटे बच्चों से मिलने जाता हूँ मैं, तो बड़ी दुर्दशा रहती है नंदग्राम की। मैं अपने सम्मानित दर्शक से कहना चाहता हूँ कि वो वार्ड नंबर 6 है, वहां पर इन्होंने हमारा पार्षद नहीं है, वहां पर कांग्रेस का पार्षद है, माया देवी जी वहां पर पार्षद हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, जो पार्षद चुना जाता है इन्हीं कामों के लिए चुना जाता है, वो अपना काम ठीक से करें। ठीक है, तो आपने पार्षद पर ठीकरा फोड़ दिया। ऐसे में आशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आशु जी कहिए। माननीय जी मुझे एक बात बतलाओ, मेयर हमारे क्या सो है? वो कांग्रेस का अगर पार्षद है तो क्या नगर निगम में नहीं आएगा वो वार्ड? उसमें किसकी वो बनती जिम्मेदारी? भारतीय जनता पार्टी को वोट दिखाता, हर पार्षद के यहाँ 25 से 30 कर्मचारी दिए गए हैं। नहीं संजय जी, थोड़ा सा आशु जी को सुन लीजिए, आशु जी जो कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए थोड़ा जी। जी आपके पास संजय त्यागी साहब जी, स्वास्थ्य के पैमाने पर, शिक्षा के पैमाने पर, रोजगार बेरोजगारी जो समस्या है उसके पैमाने पर गाजियाबाद में कितने नंबर दे रहे हैं आप जी खुद को? देखिए आपने देख लिया, अगर नंबर नहीं होते, जनता आश्वस्त नहीं होती, तो दो दिन पहले ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जन रोड शो में इतनी आम जनमानस, इतना रैली नहीं उमड़ पड़ती। प्रदेश की जनता, गाजियाबाद की जनता पूर्णतः आश्वस्त है। और रही बात इनकी, ये जो बात कर रहे हैं हमारे समाजवादी वाले भाई, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अरे इनकी सरकार में तो खुद एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बसपा की बहन मायावती जी भी सुरक्षित नहीं थी। आम जनमानस की ये किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, तो आपने बताया कि किस महिला सुरक्षा की बात करते हो, किस मुंह से करते हैं। ऐसे में एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं पटेल नगर से बोल रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ पटेल नगर की मेरठ रोड सर्विस रोड है। पटेल नगर से बोल रहे हैं, पहले नाम बता दीजिएगा जरा आपका।
मेरा नाम दीपक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पटेल नगर की जो रोड है, जो सर्विस रोड है, वो कब बनकर तैयार होगी? जब भी बारिश होती है तो पानी इतना भर जाता है, हमारी गाड़ियाँ वहाँ रुक जाती हैं। तो क्या सपा में भी ऐसी था, बसपा में भी ऐसी है, तो क्या हम कभी उस सड़क पर सही से निकल पाएंगे या अभी भी आगे भी ऐसे ही रहेंगे? संजय जी, पटेल नगर में सर्विस रोड कब बन पाएगी? वो कह रहे हैं कि बसपा में भी ऐसी ही थी, सपा में भी ऐसी ही थी, बीजेपी पर भरोसा किया, लेकिन अभी भी वैसी की वैसी ही है। जिस पटेल नगर का ये हमारे दर्शक, हमारे सम्मानित दर्शक जिक्र कर रहे हैं, फिर वही समस्या आ जाती है। देखिए, लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, स्थानीय पार्षद को ये सारे काम करने होते हैं, वहां पर भी मतलब आप स्थानीय पार्षद पर हर चीज का ठीकरा आप स्थानीय पार्षद पर फेंकेंगे? जब आप अगर हमारे पार्षद, देखिए नगर निगम में हमारे 73 पार्षद हैं, सारे के सारे, एक भी वार्ड में आप उन 73 में जाइए, अगर काम नहीं कर रहे हैं, जनता त्रस्त है, तो जहां समाजवादी पार्टी के, बसपा के और समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे, इसी वजह से तो जनता जो है परेशान है। अगर आप नीचे के लेवल पे काम नहीं करवा पा रहे हैं जी, तो फिर आप हर चीज का ठीकरा कर पार्षदों पर ही फोड़ेंगे? पार्षद हमारी पार्टी के नहीं है, ऊपरी स्तर से पूरी मदद दी जा रही है, पूरा फंड दिया जा रहा है हर पार्षद को नगर निगम से, अभी भी बीसी बोर्ड बैठक में 60-60 लाख रुपए के कार्य कराने के लिए बजट आवंटित हुआ ठीक है। दीपक जी, आप संतुष्ट हैं संजय जी ने जो कहा है? चलिए ठीक है, दर्शक शायद हमारे साथ से चले गए हैं। तो पार्षद पर आपने बात कही है कि पार्षदों को फंड दिया जा रहा है, लेकिन पार्षद की नियत जो है उसमें खोट है कि वो फंड का सही से यूज नहीं कर रहे, उपयोग नहीं कर रहे और काम नहीं हो रहा। ऐसे में आशु अब्बासी साहब, हमारे दल के सभी पार्षद पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से क्षेत्र में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरे दल के जो पार्षद है आप उनसे काम नहीं करवा पा रहे, आप उन पर नजर नहीं, काम नहीं जनता का कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ऐसे में आशु अब्बासी साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। आशु अब्बासी साहब, उस समय आपकी आवाज में कुछ समस्या थी, कुछ बात रख रहे थे, आप उस बात को रखिए, कंटिन्यू करिएगा। चलिए ठीक है, इसमें पता नहीं क्या हो गया। हेलो जी, आशु जी आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए अपनी। हेलो, हाँ आशु जी, आवाज आ रही है आपकी, बात रखिए जी। ये मेरे भाई ना सारा ठीक रहा, पास बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। आवाज में जो समस्या है वो अभी भी यथावत जारी है, इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब समय की कमी है, इसलिए आपकी आवाज में समस्या थी, मुझे माफी दीजिएगा, लेकिन ये टेक्निकल कुछ कमी है, खामी है, कहां से है ये बाद में जांचेंगे परखेंगे। आशु अब्बासी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय त्यागी साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज जो मुझे आज लगी, जो मेरे को कहनी चाहिए, कि संजय त्यागी साहब से जब अच्छी अच्छी बातें की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, हमारे पार्षद, हमारे विधायक, इन सब के लिए है, क्रेडिट सब हमारा है। लेकिन जब उनसे और चीजों पर सवाल किए गए कि उस जगह गंदगी है, उस जगह सड़क का क्या हाल है, उस जगह सर्विस रोड का क्या हाल है, तो उन्होंने सारा ठीकरा दूसरे दलों के पार्षदों पर फोड़ दिया। लेकिन सवाल उठता है कि अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थूक गई, ये कब तक चलेगा? ऐसे में गाजियाबाद में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, इसको जानने परखने के लिए आज का कार्यक्रम था, हमने जाना परखा। साथ ही साथ हमारे साथ दर्शक भी जुड़े, उन दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गाजियाबाद की विधानसभा में कितना काम हुआ पूरा, कितना काम रह गया अधूरा, ये जांचना परखना हमारा काम है जो कि हमने किया। बाकी सब कुछ जनता के हवाले छोड़ते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से सोचिएगा, समझिएगा कि आपके विधायक ने जो काम कहा क्या वो किया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप मुद्दा 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 करते रहेंगे और आखिरी में जाति के नाम पर वोट दे देंगे तो कभी भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सकता। तो इस जाति के भंवर से बाहर आना होगा, इस संप्रदाय के भंवर से बाहर आना होगा, इस धार्मिक भंवर से बाहर आना पड़ेगा और मुद्दों पर ही वोटिंग करनी पड़ेगी, तभी मतपेटियों में नेताओं का विकास नहीं, जनता का विकास खुलेगा और खुलकर सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।